वेदों की प्रामाणिकता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा सेशन टू है, बेसिक ऑफ सनातन धर्म, जी गोस्वामी के तत्व संदर्भ पे बेस्ड है। एक मिनट, म्यूट नहीं, मैं चल रहा हूँ। तो ये कोर्स के हम लोग चालू कर रहे हैं, सेशन टू चालू कर रहे हैं बेसिक सनातन धर्म कोर्स का, जो जी गोस्वामी के तत्व संदर्भ पे बेस्ड है। और हम पहला चीज देख रहे हैं कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वेदों की उत्पत्ति श्वेता स्वतार उपनिषद में श्लोक आता है कि वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले दिए, भगवान के सांसों से निकला है और ये सनातन है, इसका कोई समय नहीं है कि कब हुआ है। इसको कहते हैं अनादि सिद्ध, एक शब्द है अनादि सिद्ध। वेद जो हैं वो अनादि सिद्ध हैं। इसका मतलब है इसका कोई आदि नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं था जब वेद नहीं थे। और सिद्ध का मतलब है परफेक्ट है, हमेशा के लिए परफेक्ट है, इसका कोई डेट नहीं है। तो ये बहुत जरूरी, अनादि का मतलब है नो डेट, कोई दिन नहीं बोल सकते कि इस दिन ये वेद आया। जब जब सृष्टि होती है तब तब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान वो वेद प्रकट कर देते हैं। भागवतम के पहले स्कंद के पहले श्लोक, अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मोहयंति यत सूर्या। ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा जी के हृदय में, तेन ब्रह्म हृदय आदि, ब्रह्म जो है, ब्रह्म मतलब जो वेद है, हृदय आदि कवे, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में वो प्रकट हुआ। और इसलिए जब फिर संसार का एनिहिलेशन होता है, फिर से नया संसार बनता है, फिर से ये वेद प्रकट होते हैं, बार बार इनको प्रकट किया जाता है। तो ये सनातन हैं, वेद का कोई डेट नहीं है। जैसे कोई बोलेगा कि वेद को कब लिखा गया तो बोलेगा इसका कोई डेट नहीं है, वेद सनातन है, हमेशा के लिए हैं, अनादि सिद्ध हैं, हमेशा के लिए वेद रहते हैं। और इसमें क्या क्या ज्ञान दिया है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के ज्ञान दिए हुए हैं। इसके बारे में भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। पेड़ कैसे लगाना है वो भी दिया है, बीज कैसे बचाना है वो भी दिया है, घर कैसे बनाना है स्थापत्य कला भी दिया है, मूर्तियां शिल्प कला से कैसे बनानी शिल्प शास्त्र भी दिया है, नाटक करना है तो रोना कितना है, हंसना कितना है, और कैसे कैसे भावों को व्यक्त करना है, उनकी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त करना है वो भी दिया है। भरत मुनि ने पूरा नाट्य शास्त्र लिखा है, व्याकरण भी लिखा है, सारा आयुर्वेद लिखा है, जितने भी ज्योतिष शास्त्र लिखा है, सारे तरह के शास्त्र जो हैं वेदों में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का पूर्ण चर्चा किया हुआ है, है ना। तो अब कुछ लोग हैं जो वेद को नहीं मानते, जैसे कि बुद्ध के जो फॉलोअर हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो वेद को नहीं मानते। तो अगर आप वेद को नहीं मानेंगे तो अध्यात्म के बारे में फिर कैसे बोलेंगे, अध्यात्म के बारे में चर्चा फिर कैसे करेंगे जब वेदों को नहीं मानेंगे। तो उसके लिए हम अब आगे का चर्चा देखेंगे। वेद जो हैं, ये दूसरा चर्चा का विषय है हमारा, इसमें दो शब्द याद रखिएगा, सार्वकालिक वेद, सार्वकालिक हैं और सार्वदेशिक हैं। ये दो चीज है वेदों के अंदर, सार्वकालिक और सार्वदेशिक। सभी काल के लिए वेद लगते हैं, सत्युग के लिए भी वही वेद था, त्रेता में भी वही था, द्वापर में भी वही था, कलयुग में भी वही है। 5000 साल पहले भी वेदों की चीजें अप्लाई होती थी, आज भी होती हैं। जैसे कि तीन गुणों पे चर्चा है, तीन गुण, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ये तीन गुणों पे जो चर्चा है
वो सारे समय में लगेगा, चाहे वो किसी भी युग का व्यक्ति हो, तीन गुणों में तो वो आएगा ही आएगा, है ना। खाने के ऊपर चर्चा है, लाइफस्टाइल के ऊपर चर्चा है, वो सारे युगों में लगेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है, और इस जगत के परे जो दिव्यता है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जिस जगत में एंग्जाइटी नहीं है, उस जगत के बारे में ज्ञान तो वेदों में ही मिलेगा। तो ये सार्वकालिक ज्ञान है, सभी कालों के लिए इसका जो ज्ञान है सभी कालों के लिए रिलेवेंट है, केवल कलयुग के लिए नहीं, सत्ययुग के लिए नहीं, सब कालों के लिए। और सार्वदेशिक मतलब सभी देशों के लिए, सभी स्थानों के लिए, सभी लोगों के लिए। सभी काल मतलब काल समय, सभी समय के लिए ये अप्लाई होता है। और देश का मतलब होता है स्थान और लोग, स्थान का मतलब लोग ही होते हैं क्योंकि स्थान में लोग रहते हैं जिनके लिए लगता है, सबके लिए लगता है, मतलब वेद के लिए कोई पराया नहीं है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबके लिए लगाया हुआ है ना। ये नहीं कि जो कोई नहीं मानेगा वेद को तो उसको मार दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है, है ना। सार्वदेशिक ज्ञान है और सार्वकालिक ज्ञान है। अगर जाके आप इसको प्रचार करेंगे, अंडमान निकोबार में भी प्रचार करेंगे, तो कुछ लोग वहाँ भी जो है इसको अपना लेंगे, वहाँ भी आपको लोग मिल जाएंगे। मिडिल ईस्ट में जाएंगे वहाँ भी लोग मिल जाएंगे वैदिक सभ्यता को पालन करते हुए। और एक स्टीफन नैप प्रभु ने किताब लिखा है वैदिक एविडेंसेस अराउंड द ग्लोब, विश्व भर में जहाँ जहाँ सभ्यताएँ थी वैदिक उनके बारे में है, प्राय सारे देशों के बारे में चर्चा है, और वहाँ पे कैसे वैदिक सभ्यताएँ थी उसके ऊपर मैंने फिर 5 लेक्चर भी दिया है, इसके लिए हम कभी अलग से बोलेंगे। लेकिन यहाँ तक है कि इटली के जो पुराने घर टूटे हैं वहाँ पे भी कृष्णा की मूर्तियाँ मिली हैं, मेक्सिको में मिली हैं, राम जी के बारे में राम कथा जो है चाइनीज में है, इंडोनेशियन में है, मलेशियन में है, जहाँ जहाँ मेजर मेजर कंट्री में जाएंगे वहाँ वहाँ राम कथा के वहाँ वहाँ के रूप मिल जाएंगे आपको। तो ये सार्वदेशिक और सार्वकालिक है वेदों का जो ज्ञान है, है ना। तो इसके ऊपर एक रिफ्यूटेशन आएगा, इसके ऊपर लोग एक सवाल उठाएंगे, सवाल ये उठाएंगे कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसका कोई व्यक्ति ओरिजिन नहीं है, इसका एक डिवाइन ओरिजिन है, तो वेदों के डिवाइन ओरिजिन को कहते हैं आप और उसे, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, किसी पुरुष से नहीं आया है, इसलिए आप और उसे इसका ओरिजिन है, है ना। तो जब आप और उसे ओरिजिन, तो एक आर्गुमेंट आता है कि इसका ऑथर होगा कोई, दुनिया जो दूसरे तरह का जो तत्व जो खंडन करना चाहते हैं इस बात को, कहते हैं कि कोई ऑथर होगा, लोग भूल गए होंगे, इसलिए अपौरुषीय कह रहे हैं। तो अभी इस बात का हम खंडन करेंगे कि कैसे, हम तर्क देंगे कि कैसे ये अपौरुषीय जो है ये है, यही सही है। वेद जो हैं अपौरुषीय हैं, देखिए कैसे, वेदों की शाखा होती है और शाखा में लोग पढ़ते हैं इसको। तो जैसे कि यजुर्वेद है, यजुर्वेद का एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, जो विप्र होते हैं, जो शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ते हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद में भी एक सेक्शन होता है, तो वो जानते हैं कि मैं किस सेक्शन में पढ़ रहा हूँ शुक्ल यजुर्वेद। तो उनका शाखा, शाखा का नाम होता है कि शुक्ल यजुर्वेद, और उसके बाद उसका एक गोत्र होता है, किस गोत्र में पढ़ रहा है, उसका एक परिवार होता है। ये सारी चीज़ें उसको याद कराई गई हैं कि भाई किस शाखा में तुम हो, किस गोत्र में हो, किस अत्रि ऋषि के गोत्र में हो कि किसके हो, किस परिवार में हो, ये सारा चीज को बताया गया। तो फिर ये क्यों नहीं बताया गया कि वेद, वेद अगर कोई लिखा हुआ होता किसी का, तो ये भी बोला होता कि किसने लिखा है। जब एक एक चीज नीचे 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 तक लाई जा रही है, तो ये भी चीज बताई जाती थी, है ना, ये चीज तो कहीं नहीं बताई गई। दूसरा चीज, वेद खुद कहते हैं कि इसको गुरु के द्वारा लिया जाए, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान लेना चाहिए, है ना। तो गुरु परंपरा में ज्ञान पूरा आ रहा है, जो लोग सीधा पढ़ना चाहते हैं उनको ज्ञान समझता नहीं है,
क्योंकि सीधा पढ़ने से गुरु के पास शरणागति नहीं करना होता है, कोई नियम कानून पालन नहीं करना पड़ता है। इसमें गुरु परंपरा में आएंगे तो डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा, है ना। अब बिना अनुशासन के जो सीखना चाहते हैं तो इसलिए उनको जमता नहीं ये स्टाइल, है ना। एक और सुनिए तर्क। आज से 6वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट करके बहुत बड़े स्कॉलर आए, कुमारिल भट्ट, एक 6वीं AD में आए, 6वीं शताब्दी में। कुमारिल भट्ट ने उस समय तो पूरा वैदिक सिस्टम पौरव होता था, और कुमारिल भट्ट ने वेदों को अपौरुषीय माना। उसी के आसपास में बाकी आचार्य भी आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, ये सब लोगों ने वेदों को अपौरुषीय माना। रामानुजा, मध्वा, शंकराचार्य, सबने वेदों को अपौरुषीय माना, है ना। रूप गोस्वामी, सबने ये बोला है कि वेद जो है अपौरुषीय है, इसका कोई पुरुष ओरिजिन नहीं है। तब तो पूरा वैदिक सिस्टम था, उस समय तो कोई भूले नहीं थे, आज थोड़ा भूल भी रहेंगे, तब तो नहीं भूले थे। इन लोगों की रचनाओं में कहीं भी नहीं लिखता है कि वेद, सब यही लिखते हैं कि वेद जो है अपौरुषीय है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि वेद क्या कोई पुरुष लिखने वाला है, कोई दे नहीं पाते, कोई प्रूफ नहीं दे पाते, बिना प्रूफ के बोलते हैं, है ना। क्यों भाई ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि अगर वो लोग कह देंगे कि मान लेंगे कि वेद भगवान से आए हैं, अपौरुषीय हैं, तब तो कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, उनको तो कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, उनके पर अल्टीरियर मोटिव है, उनका हेतु कुछ अलग है, उनको हेतु वेदों को सही गलत देखना नहीं है, उनका हेतु है कन्वर्जन कराना, है ना। अब आगे देखते हैं वेदों का जो ज्ञान है ना, तीसरा पॉइंट है, वेद जो है इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसको आप प्रमाण से चेक वेक करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए, वेदों में लिखा है कि बहुत सारी चीजें हैं। पहला चीज है कि वेद जो है उसके इसके जो चीजें हैं चेंज नहीं होती, नो चेंज। जो वेद जो तब लिखा है जो आज वही है, तो कोई किताब बदल नहीं रही है, मतलब परफेक्ट सोर्स से आई है। अगर वो बदलती है मतलब वो आदमी ने लिखा है। तो आदमी के अंदर 4 मिस्टेक हैं, भगवान के अंदर वो 4 मिस्टेक नहीं है। चूंकि एक वेदों का सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, सेम नॉलेज आ रहा है, इसलिए वेद जो है वेरीफाइड है। एक वेरीफाई करने का तरीका है कि इसमें ज्ञान कुछ बदल नहीं रहा, जो ज्ञान तब था जो ज्ञान अब है सेम ही ज्ञान दिया जा रहा है। वेरीफाई करने का दूसरा तरीका है कि वेदों में जो लिखा है, जैसे लिखा है संख के बारे में और गोबर, दो उदाहरण देंगे हम। वेदों में लिखा है कि हड्डी को छूने पे स्नान करना होगा, लेकिन वेदों में लिखा है संख जो है मंदिर में रखा जा सकता है, और संख भी हड्डी है। वेदों में लिखा है विष्ठा जो है उसको छूने के बाद स्नान करना होगा, लेकिन गोबर जो है मंदिर को निपने के लिए यूज होता है। गोबर एक गाय से निकला है। तो ये दोनों चीज हम लोग वेद से मान लेते हैं, लेकिन जब इसको प्रयोग करते हैं तो आजकल एंटी रेडिएशन चिप में लोग गोबर लगा रहे हैं, और गोबर लगा के मोबाइल पर रख रहे हैं। लोग घरों में दीवारों में गोबर लगा रहे हैं, छत पर गोबर लगा रहे हैं, यूवी रेडिएशन को बचाने के लिए, रेडिएशन को बचाने के लिए। भोपाल गैस का जब त्रासदी हुआ था तो वहाँ पे एक एरिया था जहाँ बहुत गायें थी, और उस एरिया में किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में लोगों ने रिसर्च किया कैसे नहीं हुआ, वहाँ गोबर बहुत था, गोबर के वजह से जो रेडिएशन था उसका इफेक्ट जो है पार नहीं हो रहा था वहाँ के लोगों पे, सारा गोबर जो है रेडिएशन को खींच ले रहा था। तो वेदों के चीज़ों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र है, वो ज्योतिष शास्त्र आपको बता दे एग्जैक्ट किस समय सूर्य कहाँ होगा, चंद्रमा कहाँ होगा, और
हमारे साथ आदिदेव प्रभु भी हैं, कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का जो ओरिजिनल यूज था वो ये बताने के लिए था कि कब बारिश होगी और किस सिचुएशन में हम खेती करें और चीज़ों को देखें जिससे कि हमको बेस्ट रिजल्ट मिले। मतलब वेद आपको मेहनत करने के लिए कहते हैं, लेकिन आजकल लोग ज्योतिष का यूज करते हैं कि ये बता दीजिए कि मेरा ये चीज़ कब होगा और वो चीज़ कब होगा। वो तो बहुत छोटा सोच से वेद को देखने का तरीका हो गया। वेद कह रहे हैं आप मेहनत करो, कौन से समय मेहनत करने में बेस्ट रिजल्ट आएगा उसके लिए आपको गाइडलाइन देते हैं। ठीक है देखो, यही तो इसके लिए आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, क्योंकि जब आप समुंदर में जहाज लेके जा रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे ना कि उसमें डूब जाएं, तो आप निकालेंगे ना कि कब ज्वार भाटा आएगा क्या आएगा, वो ज्योतिष के द्वारा आप गणना कर सकते हैं, है ना। घर आप बना रहे हैं तो आप निकालेंगे ना कि वास्तु के हिसाब से कहाँ रहने से सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई रहेगा, वो आपको नाप के देता है। और जहाँ वास्तु के दोष होते हैं वहाँ पर वो दोष के चीज़ें भी दिखने लगती है। और आज वास्तु पूरे दुनिया में लोग यूज़ कर रहे हैं, केवल भारत में नहीं, है ना। तो इस तरह से वेदों का आयुर्वेद पूरे दुनिया में आजकल यूज कर रहे हैं, जड़ी बूटी पर सब लोग जा रहे हैं, जान रहे हैं कि दवाइयों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए आयुर्वेद के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद और वेरीफाई कर सकते हैं जो वेदों में प्रेडिक्शंस दिए हैं। प्रेडिक्शंस वेदों का जो प्रेडिक्शंस हैं, वेद में पहले ही बताए हुए हैं कि कलयुग के लक्षण कैसे कैसे होंगे, कलयुग में राजा कौन कौन से आएंगे। वेद जो है सुन के बताए जाते थे, लेकिन 5000 साल पहले वेदों को लिख दिया गया और लिखित वेद 5000 साल पहले से मिले, और उसमें सब लिखा है कि आगे राजा कौन कौन आएंगे। महात्मा बुद्ध आएंगे, कल के अवतार आएंगे कलयुग के अंत में, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, अशोक आएगा, सारे बहुत सारे एक राजाओं का पूरा लिस्ट है वेदों में दिया हुआ, कब कब कौन कौन आएंगे। तो ये सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं कि जो उनमें डेट लिखा है और जो ऐसे है, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, दोनों को आप वेरीफाई कर सकते हैं, समय को मिला के हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेद के जो अपौरुषीय के जो लॉजिक हैं वो बहुत हेवी हैं दूसरों के अगेंस्ट में। और चौथा पॉइंट है वेदों का कि वेद स्वयं बोलते हैं कि हम अपौरुषीय हैं। वेद स्वयं ही कहते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो किसी पुरुष से नहीं है, अपौरुषेय है। तो कोई बोलेगा खुद ही कैसे कह रहा है भाई, दूसरा कोई कहना चाहिए ना, वो खुद ही कैसे कह सकता है कि मैं अपौरुषेय हूं। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग। आप इस शब्द को लिख लीजिएगा, सर्कुलर रीजनिंग। देखिए ये है वेद, समझ लीजिए वेद है। अगर इसको कोई और सर्टिफाई करेगा, कोई और एक व्यक्ति है जो बोलेगा कि वेद सर्टिफाई हुए, अगर आप वेद को ऑथराइज करने के लिए, प्रमाणिक बनाने के लिए किसी और सोर्स को बोलिएगा कि यहां से हो, तब तो ये सोर्स इससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं, वेद से ज्यादा अधिकार इसको मिल गया कि इसने इसको वेद को सर्टिफाई किया है। जैसे मेरे को MBBS डिग्री मिली भारत सरकार के MCI के द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगर मुझे डॉक्टर बनाने की डिग्री दे सकती है, मुझे ऑथराइज कर सकती है, तो मेरे से बड़ी हो गई ना MCI, है कि नहीं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जो मुझे ऑथराइज करेगा वो मेरे से बड़ा हो जाएगा, तो वेद से बड़ा ये व्यक्ति हो जाएगा। फिर अगला सवाल आएगा इसको ऑथराइज करिए, भाई ये कैसे कह रहा है कि वेद जो है अपौरुषीय है, तो इसको ऑथराइज करने के लिए फिर कोई इसी एक बड़ा व्यक्ति को लाना पड़ेगा सीन में, तो इसको ऑथराइज करना पड़ेगा, इसको ऑथराइज करने के लिए फिर और एक व्यक्ति को लाना पड़ेगा जो उसको ऑथराइज करे, तो ये तो अनंत चलता रहेगा। इसको कहते हैं अनंत का दोष, अनंत का दोष लग जाएगा, ठीक है ना, ये कभी अंत ही नहीं होगा, है ना। और वेद स्वयं ही कह रहे हैं, जैसे कि अगर कोई मंगल ग्रह से आ जाए तो वो क्या खाता होगा, जैसे पीके है मंगल ग्रह से आया, तो मंगल ग्रह में लोग क्या खाते हैं वही बताएगा ना कि हम लोग बता देंगे। वैसे ही वेद जो है उस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम अपौरुषीय हैं, वहां से आए हैं, तो वेद स्वयं ही बता सकते हैं कि वो कैसे आए, कैसे आए, हम हमारे स्पेकुलेशन का उसमें जगह नहीं है। इसको कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग। इस सर्कुलर रीजनिंग का मतलब है कि खुद ही वो रीजन दे सकता है अपने बारे में, ये दूसरे से नहीं है। ये हो गया लीनियर रीजनिंग। सर्कुलर रीजनिंग मतलब वेद ही बोलेगा अपने बारे में कि भाई वो कैसा है, इसको सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। इसलिए वेद स्वयं ही प्रूफ कर रहे हैं कि वो अपौरुषीय हैं।
है ना। अगला है, अगर आपको किसी बच्चे को पूछना है, बच्चे को पता करना है कि उसके पिता कौन है, तो कौन बता सकता है? अगर बच्चे को ये सवाल करना है कि मेरे पिताजी कौन हैं, तो कौन बता सकता है बच्चे को? सबसे बड़े ऑथराइज्ड व्यक्ति कौन है उसके लिए, बच्चे के लिए? माता है। माता जी बताएंगे कि इनके पिता कौन है। तो वेद वो माँ है जो हमको वेद वो माँ है जो हमें परमपिता परमपिता तक हमको वो लेके जाता है। वेद वो माँ है जो हमें परमपिता तक लेके जाता है। तो हमने देखा कि वेद स्वयं कह रहे हैं उनका ओरिजिन डिवाइन है, रामानुजाचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य शंकराचार्य रूप गोस्वामी कुमारिल भट्ट एक से बढ़ के एक स्कॉलर्स हैं जो द्वैत संप्रदाय वाले अद्वैत संप्रदाय वाले सारे संप्रदायों में जहां भी कोई संप्रदाय चल रहा है, जहां भी गुरु शिष्य परंपरा की बात हो रही है, वहां पे सब लोग वेद को अपौरुषेय मान रहे हैं। सारे परंपराओं में केवल वही लोग नहीं मान रहे हैं जिनका कुछ अलग हेतु है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जिनका कुछ अलग हेतु है ना। अलग हेतु क्या है? वो चाहते हैं कन्वर्जन करना, और उनके अंदर चार डिफेक्ट भी हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, कल बता रहे थे भ्रम है, कर्म पटवा है, विप्रलिप्सा है, इल्यूजन है, ये सब चीजें हैं उनके अंदर, जिसके कारण वो दूसरे को मिसलीड करना चाहते हैं और मिसलीड करना चाहते हैं। इसलिए उनके तर्क में दम नहीं है, वेदों के तर्क में दम है। इसलिए परिशेष न्याय द्वारा, परिशेष मतलब रिमाइंडर, लॉ ऑफ रिमाइंडर जो बच गया उसका लॉ है। लॉ ऑफ रिमाइंडर, इस परिशेष न्याय के द्वारा ये प्रूफ होगा। जैसे कि अगर यहां पे एक कलम पड़ा है और मैं बोल रहा हूं मेरा है, रूपचंद पर बोले उनका नहीं है, आदि से आदिदेवपुर बोले उनका नहीं है, सबसे किसी का नहीं है, तो परिशेष न्याय कहता है अगर मैं क्लेम कर रहा हूँ बाकी लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं तो ये कलम मेरी हो जाती। भगवान कह रहे दुनिया मैंने बनाया, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कुछ ने बनाया, तो परिशेष न्याय के द्वारा सिद्ध होगा कि भगवान ने ही बनाया। तो चूंकि वेद कह रहे हैं कि वो अपौरुषेय हैं और बाकी लोगों के तर्क में दम नहीं है, इसे परिशेष न्याय के द्वारा सिद्ध होता है कि वेद जो हैं अपौरुषेय भगवान से स्वयं आए हैं, इनका कोई ह्यूमन सोर्स नहीं है। और ये आखिरी चीज जो आज हम देख रहे हैं वो है कि इतिहास मतलब हो गया रामायण महाभारत, महाभारत ये इतिहास है, और पुराण, पुराण का मतलब है 18 पुराण। 18 पुराण जो हैं, ये जो हैं पुराण और इतिहास, ये दोनों को कहते हैं पंचम वेद। ये भी 5वां वेद हैं, और कहाँ लिखा है? ये वेदों में ही लिखा है, वेदों में ही लिखा है कि इतिहास और पुराण भी 5वें वेद हैं। और कहाँ लिखा है वेदों में? तो ये आप नंबर नोट करिए, आपको ये पता होना चाहिए, कोई पूछे तो ये दो नाम आपको याद होना चाहिए, बृहदारण्यक उपनिषद, ये वेदों का ही उपपाठ है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसके 2.4.10 2.4.10 इसमें लिखा है कि वेद 5वें वेद हैं, इतिहास पुराण 5वें वेद हैं, और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, और इसके 7.1.2 सातवां खंड
पहला अध्याय दूसरा श्लोक में लिखा है कि वेद और इतिहास और पुराण पांचवें वेद हैं, वेद का ही पाठ है, अलग नहीं है। ये दो नाम में एक नाम भी अगर आप याद रखें तो काफी है। किसी कोई पूछता है कि भाई इतिहास और पुराण कैसे वेद हैं, वेद तो हम वेद मानेंगे, तो वेद ही कह रहे हैं कि ये दोनों भी वेद के ही पाठ हैं। ठीक है, पुराण और इतिहास वेद के ही पाठ हैं, वेद खुद कह रहे हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देखें कि वेद जो हैं वो अब हम आगे बढ़ें। मत्स्य पुराण में लिखा है कि एक ही 400,000 श्लोकों का पुराण था, उसको 18 भाग में बांटा गया। आगे वेदों को फॉलो क्यों करना है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ये 6 नंबर का पॉइंट है, वेद को हमें क्यों फॉलो करना है, वाई टू फॉलो। वेद को फॉलो करने से क्या मिलेगा? पहले तो हमने देखा कि आप आयुर्वेद जानेंगे, आप धर्मशास्त्र जानेंगे, आप नाटक में सीखेंगे, घर बनाना सीखेंगे, भौतिक चीज़ें में बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, अध्यात्म भी सीखेंगे, लेकिन एक बहुत एक सटल पॉइंट है जो कि बहुत सीखना जरूरी है, वेद को प्रैक्टिस करने से अनर्थ कम होते हैं। जब हम वेदों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारे अनर्थ जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब कम हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ कम होते हैं, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब चीजें कम होती हैं। इनका कम होना क्यों जरूरी है? जितना ये 6 चीजें कमेंगी, हमारे जीवन का मूल्य, जीवन के जो मूल्य हैं वो बढ़ेंगे। ये घटेंगे तो ये बढ़ेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता वो बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अगर आपके अंदर काम बढ़ गया तो आपके लाइफ में क्वालिटी घट जाएगा, क्वालिटी जो है वो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैथमेटिक्स के हिसाब से। क्रोधी व्यक्ति का जीवन जो है उसके मूल्य, उसकी गुणवत्ता घट जाएगी। तो जीवन को अच्छा जीने के लिए, हाई क्वालिटी जीवन जीने के लिए काम क्रोध मोह ईर्ष्या लोभ अहंकार ये घटाने पड़ेंगे, और ये घटाने के लिए वेदों के अनुसार जीवन जीना जरूरी है। वेद कहते हैं कि ऐसे जियोगे तो तुम्हारी लाइफ ऑफ क्वालिटी बढ़ जाएगा, है ना। और आखिरी चीज़, द लास्ट चीज़ जो हम कह रहे हैं कि वेद को थोड़ा कंपेयर करते हैं, वेद जो है उसको 5,000 साल पहले लिख दिया गया, ये लिखा गया 5,000 साल पहले, है ना। तो 5,000 साल के पहले, ऐसे तो अनादि समय से है लेकिन लिखा गया 5,000 साल पहले, है ना। और अगर आप देखोगे महात्मा बुद्ध आए 2,500 साल पहले, तो बुद्ध का जो भी ज्ञान है उन्होंने 2,500 साल पहले दिया। उसके बाद ईसा मसीह आए 2,000 साल पहले, है ना। और एक मत है जो 1,400 साल पहले आया, है ना। तो अब देखिए क्या है, इसके पहले इनका जो जो भी मत है वो एग्जिस्ट नहीं था। ये मतों का एक ओरिजिन का टाइमिंग है, ये कोई 2,000 साल पहले 1,400 साल पहले सब आए, उसके पहले के लोगों के लिए ये नहीं थे। तो
तो जो वेद हैं उसको हमने आपको बताया कि वेद जो हैं वो इसका एक बहुत बड़ा गुण है, सार्वकालिक, ये सभी कालों में लगेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 2500 साल पहले वेद आए, 5000 साल पहले लिखे गए, लेकिन ये सृष्टि के समय से हैं। जब जब सृष्टि है तब तब वेद है, सबके लिए है और सब समय के लिए, तो सार्वकालिक है। जैसे आप कहोगे कि ये ज्ञान जो है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का कोई टाइमिंग नहीं है, और वो ज्ञान जिसका कभी पतन ना हो, एकदम फुल प्रूफ इनफॉलिबल, तो ये सार्वकालिक ज्ञान है वेदों में जो दिया है, कभी भी वेद चेंज नहीं होते। और दूसरा सार्वदेशिक है, सबके लिए, आप देवताओं के लोक में जाएंगे वहां भी ये ज्ञान मिल जाएगा, और ये आप जाके अमेरिका में प्रभुपाद ने प्रचार किया, वहां के लोगों ने भी हरे कृष्णा जपना चालू किया, प्रभुपाद ने किसी को पैसा नहीं दिया जपने के लिए, बस सीधा प्रचार किया और लोगों ने जपना चालू किया। आप मलेशिया में जाएंगे वहां भक्त मिलेंगे, इंडोनेशिया में, चाइना में, किसी पाकिस्तान में भी लोग वहां पे हरे कृष्णा जप रहे हैं। इसका मतलब सार्वदेशिक ज्ञान है, ये ज्ञान सभी जगह के लिए और सभी समय के लिए है। इस तरह से वेद जो हैं ये रिलेवेंट हैं आज की तारीख में। हमने डिस्कस किया, हम रिवाइज करेंगे। कि वेदों की उत्पत्ति श्वेतसार उपनिषद में बताया गया है कि अनादि सिद्ध है, इसका कोई डेट नहीं है, इसका मतलब है कि अपौरुषेय हैं, है ना, वेद अपौरुषेय हैं, और ये सार्वकालिक हैं। इसके जो ज्ञान है इसमें ऐसे चीजें दी हैं जो कि समय के सीमाओं से परे हैं। तीनों गुणों का ज्ञान है, सुबह के समय सत्वगुण, दोपहर दिन में रजोगुण, रात में तमोगुण, कपड़ों के रंग में तीनों गुण, है ना, आदमी के सोच के गुण, दान करने में अगर आप नाम कमाना चाहते हैं तो रजोगुण, नाम नहीं चाहिए तो सतोगुण, और किसी के बर्बादी के लिए दान किए हैं तो तमोगुण, ये सारे चीज़ें सार्वकालिक ज्ञान में आती है, ये सब सार्वकालिक ज्ञान में आता है। और सार्वदेशी का मतलब है किसी भी जगह जाके आप प्रचार करिए, विश्वास रखिए, एक काम करने लगेगा वहाँ। कोई भी जंगली आदमी, नरभक्षी आदमी भी अगर माला उठा के वेद को जपना चालू करे उसमें परिवर्तन आएगा। रावण का मामा था मारीच, इंसानों को खाता था, लेकिन राम के बाण लगने के बाद पानी में गिरा और जाके दूध और फल पे जीवन चलाया बाकी का। तो ये सार्वदेशिक और सार्वकालिक है ज्ञान। और फिर अपौरुषेय कैसे है, क्योंकि हम देखते हैं कि वेदों की शाखा, उपशाखा, गोत्र, प्रवर सब कुछ आज भी मिलता है। तो अगर कोई पुरुष ने इस ज्ञान को दिया होता तो लोग उसको भी याद रखते कि ये व्यक्ति था। जब आपको इतना तक याद है कि शुक्ल यजुर्वेद में हम पढ़ रहे हैं, अत्रि गोत्र में पढ़ रहे हैं, ये प्रवर में पढ़ रहे हैं, इस ब्रांच, सब ब्रांच, सब सब ब्रांच में पढ़ रहे हैं, तो किसने लिखा वो नहीं होगा, ये इलॉजिकल है सोचना। क्योंकि वेद खुद कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है। दिक्कत क्या है गुरु शिष्य परंपरा में, यहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है, और अनुशासन सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है, है ना, क्योंकि अनुशासन में गुरु बोलेंगे जल्दी सोओ, सुबह जल्दी उठो, इसमें जीवन शैली को बदलना होता है। लेकिन बिना अनुशासन के लोग ज्ञान लेने घुस जाते हैं, खाली संस्कृत पढ़ के बाहर के जो स्कॉलर्स हैं, और वेदों को उलट पुलट करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जो परंपरा में जो लोग आए थे, कुमारिल भट्ट, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रूप गोस्वामी, बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने वेदों को एज इट इज अपौरुषेय माना है। अगर कुछ गलती होती वेदों में ना, तो ये लोग सबसे पहले पकड़ लेते, क्योंकि ये लोग बहुत डिबेट करते थे, पूरा जमाना ही डिबेट का था, लेकिन वेदों के आधार पे डिबेट होता था। वेदों को गलत साबित करने के लिए कभी डिबेट नहीं होता था, वेदों को सही साबित करने के लिए डिबेट किए जाते थे। और वेदों को हम वेरीफाई करेंगे, पहला चीज़ वेद में कोई चीज़ परिवर्तन नहीं होता, वेद वही है जो पहले था। वेदों में जो चीज़ें लिखी आज भी हम देख रहे हैं कि शंख जो है वो जो शुद्ध होता है, गोबर जो है शुद्ध होता है, वेदों में जो प्रेडिक्शंस दिए हैं, महात्मा बुद्ध कब आएंगे, महात्मा अशोक कब आएगा वेदों में, और कलयुग के बारे में बताया गया है, ये सब चीज़ें एज इट इज सही लगती है। और वेद आखिरी तर्क दे रहे हैं, वेद अपौरुषेय कैसे है, ये सर्कुलर रीति से, वेद स्वयं ही बोल रहे हैं कि हम अपौरुषेय हैं, क्योंकि अगर वेद किसी और के प्रूफ पर डिनाई करेंगे तो अनंत वाला दोष लगेगा, इसलिए वेद सर्कुलर रीजनिंग के न्याय से खुद ही साबित करते हैं कि वेद जो हैं अपौरुषेय हैं, है ना। और हम देखें कि वेद एक माँ के जैसे है जो बता रही कि तुम्हारे पिता ही हैं, तो चूंकि माँ के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं कह रहा है,
परिशेष न्याय के द्वारा, लॉ ऑफ रिमाइंडर के द्वारा ये सिद्ध होगा कि वेद जो हैं अपौरुषीय हैं और हमारे भले के लिए लिखे गए, भले के लिए बताए गए। और ये है कि रामायण महाभारत और 18 पुराण भी वेद हैं, और इसका हमने रेफरेंस दिया बृहदारण्यक उपनिषद 2.4.10 और छांदोग्य उपनिषद 7.1.2, ये भी वेद में ही आते हैं। इसके आधार पे हम आगे का सारा डिस्कशन करेंगे। और वेद को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि काम क्रोध लोभ ये जो अनर्थ हैं छे, ये जब तक घटेंगे नहीं तब तक जीवन के मूल्य बढ़ेंगे नहीं, तब तक गुणवत्ता जीवन की नहीं बढ़ेगी। जब हम काम क्रोध से कम रहेंगे तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए वेद को फॉलो करना बहुत जरूरी सबके लिए, जो वैष्णव उनके लिए तो है ही, लेकिन सबको वेदों के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे। और ये आखिरी चीज़ है कि अलग अलग जो धर्म मत हम देखते हैं उनका कोई डेट है, उस डेट पे वो लोग आए, वेदों का कोई डेट नहीं है। वेद लिखे गए 5000 साल पहले जरूर, लेकिन वेदों का कोई डेट नहीं, अनादि सिद्ध हैं, सार्वकालिक हैं और सार्वदेशिक हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है?